हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में 75 स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगी। इसी संदर्भ में खाद्य आपूर्ति विभाग की अहम बैठक में भाग लेने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इन कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर तैयार की जा रही रूपरेखा अधिकारियों के साथ साझा की और सरकार के दिशा निर्देश से भी अधिकारियों को अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को आए हुए जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश का विकास तब से लेकर अब तक किस प्रकार हर दशक में कैसे आगे बढ़ा उसकी जानकारी पूरे प्रदेश में और आगामी जो भविष्य की हमारी पीढ़ी है उसको भी मिले और एक बार प्रदेश के विकास के बारे में किस प्रकार हमारा विकास जो है किन किन लोगों के सहयोग से प्रयास से किन किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में विशेष क्या क्या विकास के कार्य आगे बढ़े इन सब बातों को लेकर पूरे प्रदेश में एक जानकारी जाए और प्रदेश की जनता अपने प्रदेश के इतिहास के प्रति जानकारी अवगत करे, जागरूक रहे। इसलिए प्रदेश सरकार जो है जहां देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वहीं उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भी इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर 75 स्थानों पर एक इवेंट्स के रूप में मना रहे हैं जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी स्वयं जाकर जो है और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और अन्य केंद्रीय मंत्री भी इन इवेंट्स में आकर भाग लेंगे। इस प्रकार की योजना प्रदेश की सरकार ने बनाई है। डिपो में जो राशन आ रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई है और अच्छे क्वालिटी का हम राशन प्रदान कर रहे हैं और रेट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों इसके लिए सरकार जो है विभाग हमारा प्रयास कर रहा है। अभी भी जो खाद्य तेलों के जो रेट्स हैं वो पिछले जो टेंडर थे उससे भी और 17 रुपये कम जो है डिपो में खाद्य तेल जो है उपलब्ध कराया जा रहा है।